नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स 10 अप्रैल 2018 का डे बाय डे करंट अफेयर सेशन, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे आदि स्टेट लेवल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। 2 दिवसीय असम बसंत महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है 7 से 8 अप्रैल 2018 को बसंत महोत्सव आयोजन किया गया। इसका आयोजन मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है वहां पर किया गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के कितने उच्चतम स्तर पर है, यानी कितने अधिकतम उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है? तो 424.361 अरब डॉलर, लगभग 425 अरब डॉलर। कौन से प्रदेश के प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का राज्य संस्करण शुभारंभ किया गया? तो यह किया गया अभी हाल ही में त्रिपुरा में किया गया, और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं जो अभी हाल ही में बने हैं बिप्लब कुमार देब हैं बीजेपी के। अभी हाल ही में कौन सी सरकारी योजना के 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं? तो दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन हल करने के लिए आपको उसकी जो भी योजना है उसकी स्टार्टिंग डेट पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने जो है वो 3 साल पूर्ण किए हैं। 8 अप्रैल 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। उत्तर पूर्व के लिए बने नए नीति फोरम की पहली बैठक कब आयोजित की जा रही है? तो इसका आंसर है 10 अप्रैल 2018 को। यह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आयोजित की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस देश की पहली पनबिजली परियोजना में कुल 80 अरब रुपए का निवेश कर रहा है? तो यह कर रहा है नेपाल, नेपाल में चल रही है, और यह अरुण 3 परियोजना के नाम से चल रही है। इसमें 900 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, उसमें निवेश किया है कुल 80 अरब का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने। नेपाल में जल पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका आंसर है 10 से 12 अप्रैल 2018 और जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया जा रहा है। 8वीं थिएटर ओलंपिक का समापन कब किया गया? तो 8वीं थिएटर ओलंपिक का समापन जो है वो 8 अप्रैल 2018 को किया गया। भारत के 17 शहरों में 51 दिनों तक प्रदर्शन के बाद मुंबई में इसका समापन हुआ। भारत में पहली अंतरराष्ट्रीय क्रॉस कंट्री पेट्रोलियम उत्पादों को की पाइपलाइन परियोजना किसके बीच शुरू हुई है? तो दोस्तों, यह हुई है मातीहारी अमलेखगंज के बीच शुरू हुई है, और 7 अप्रैल 2018 को भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मोतीहारी बिहार से अमलेखगंज की शुरुआत की। प्रदीप सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तल में यानी वेट लिफ्टिंग में कितने किलोग्राम में रजत पदक जीता? तो दोस्तों, यह जीता है 105 किलोग्राम में। वहीं मानिक बत्रा ने टेबल टेनिस में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ, टेबल टेनिस में राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण पदक मिला है। जीतू राय ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। वहीं ओम प्रकाश मिथारवाल ने भी निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता। अब बात करते हैं वन लाइनर फैक्ट के बारे में, करंट अफेयर्स। भारत के बड़े 20 शहरों में 4G कनेक्टिविटी सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा प्रदेश है? तो यह है पटना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इक्वेटोरियल गिनी की सरकार द्वारा कौन सा गैर नागरिक सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो दिया गया है कंडे कोर सियोन सम्मान। हंगरी के कौन से प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में चुनाव में जीत दर्ज की है? तो विक्टर ऑरबान ने। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी हैं। किसने फरारी की अपनी 20वीं रेस में बहरीन ग्रांप्री जीता? तो सेबेस्टियन बेटल ने जीता। चर्चित पुस्तक द बुक थीप के लेखक कौन है? मार्क्स जुसाक। द किंग ऑफ द
डार्क चैम्बर पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। मिथिला चित्रकला का संबंध किस भारतीय राष्ट्र से है? तो बिहार से है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो 6 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो सी विद्या सागर राव हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस हैं। दोस्तों, हमारे जो PDF हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन करने में परेशानी होती है। तो दोस्तों, हमने 10 अप्रैल 2018 का डे बाय डे करंट अफेयर सेशन देखा। यदि आप हमारे करियर डेस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम अगला वीडियो जो है वो 11 अप्रैल 2018 का डे बाय डे करंट अफेयर सेशन अपलोड करेंगे। दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।